अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अरहमगुल फ्रॉम अरहमगुल ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शाओमी की मी कलर वॉच के बारे में। अब ये शाओमी की एक ऐसी स्मार्ट वॉच है जिसको 30 दिसंबर 2019 को रिवील किया गया था शाओमी की तरफ से। इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिली है। आज के इस वीडियो में हम इसकी कंप्लीट प्राइस और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं इस वॉच के बारे में, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें इसकी प्राइस के बारे में, तो अगर पाकिस्तान में इसकी प्राइस अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ये 18,000 रुपीज़ से लेकर 22,000 रुपीज़ तक आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिल सकती है। अब कंफर्म नहीं है जितनी बात मैंने आपको बताई है, ये लीक्स एंड रूमर्स पर बेस्ड है। ये आपको 18,000 रुपये से लेकर 22,000 रुपये तक देखने को मिल सकती है। और अगर हम यहाँ पर बात करें इस स्मार्ट वॉच की प्राइस इंडिया के अंदर क्या होने वाली है, तो आपको बताना चलो कि इंडिया में इसकी प्राइस होने वाली है 7,000 रुपीज़ से लेकर 9,000 रुपीज़ तक इसकी प्राइसिंग हो सकती है। अब ये भी लीक्स एंड रूमर्स पर बेस्ड है, तो इस पर मतलब कि आप कन्फर्म नहीं है, हो सकता है प्राइस ज़्यादा हो जाए या हो सकता है प्राइस कम हो जाए, कंफर्म नहीं है। बट फिर भी लीक्स एंड रूमर्स के मुताबिक ये कहा गया है एंड हो सकता है कि यही प्राइस हो। और अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशंस की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर इसके अंदर आपको 1.4 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिला है, जो काफ़ी ज़रा अच्छी बात है। मतलब कि ऐसा डिस्प्ले देने को मिला जो आपको डेफिनेटली एक हाई रेट स्मार्टफोन्स में देने को मिलता है, ऐसा डिस्प्ले यहाँ पर आपको देने को दिया गया है। अब जैसे देखें ना, प्राइसिंग ज़्यादा है तो डेफिनेटली स्पेसिफिकेशन भी आपको अच्छी लेवल की देने को दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको बता दिया कि 1.4 इंच का एक आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और सेकेंडली, यहाँ पर आपको एक राउंड शेप डायल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है। ऐसा लगता है कि आपने एक कैजुअल वॉच पहनी हुई है, एक रिस्ट वॉच आपने पहनी हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने एक स्मार्ट वॉच पहनी हुई है। इसकी जो सी शेप है, जो लुक है, वो आपको सेम टू सेम ये ऐसा ही लगता है कि आपने एक सिंपल रिस्ट वॉच पहनी हुई है। बट अगर आप किसी को बताते हैं देन ही वो कह सकता है कि ये एक स्मार्ट वॉच है। इसका जो यूज़र इंटरफेस है, जो इसके लुक है, वो काफ़ी ज़रा अच्छी है। अगर हम बात करें इसके कलर्स की, तो इसके अंदर आपको वेरियस कलर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसका नाम ही कलर्स पर बना है, मी कलर्स वॉच, तो वैसे ही इसके कहते हैं काफ़ी ज़रा कलर वेरिएंट्स हैं। वेरिएंट्स नहीं कहूँगा मैं, इसके जो स्ट्रैप्स हैं वो काफ़ी ज़रा कलर्स वेरिएंट्स में आते हैं। आप काफ़ी ज़रा कलर्स में इसके जो स्ट्रैप्स हैं वो परचेज कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर मैं आपको बताना चाहूँ इस स्मार्टफोन के दो अहम फीचर जिसकी वजह से इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई की गई है, तो वो पहला फीचर तो ये है, इसके अंदर एक ऐसा फीचर लगाया गया जो आज तक किसी स्मार्ट वॉच में नहीं लगाया गया। तो वो फीचर ये है कि ये स्मार्ट वॉच ऑटोमेटिकली मतलब कि आपको बता दें कि आपके अंदर इस पर कितनी पावर है, आप कितना वर्क कर सकते हैं, कितना वर्क करने से आपका सांस फूलने लग जाएगा या आपको कितना वर्क करने में आप थक जाएंगे। तो ये आपको कंप्लीट डिटेल्स इसके बारे में बताएगा कि आप इस वक्त आपके अंदर कितनी पावर है, आप कितना काम इनफ कितना काम आप कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना काम कर सकते हैं या कम से कम आप कितना काम कर सकते हैं, ये कंप्लीट डिटेल्स आपका बताएगा। मेरा कहने का मतलब यह कि जितना भी आपके अंदर इसके पास पावर है इसके अंदर इस वक्त आपके अंदर, वो कम्प्लीटली आपको बता देगा, जो कि काफ़ी ज़रा अच्छी बात है और आज तक किसी भी वॉच ने ये नहीं बताया। और सेकेंडली, एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पर बताना चलूँ, इसके अंदर आपको एक दूसरा फंक्शन भी देखने को मिलेगा, जो कि है स्मार्ट वॉच की बैटरी। जी हाँ गाइस, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी 4200 mAh या 420 mAh की बैटरी। एंड इस बैटरी लाइफ से क्या होगा, Xiaomi ने खुद कहा है कि इसके अंदर आपको 22 डेज़ का बैटरी बैकअप देने को मिलेगा, जो मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा। अगर आप जस्ट बेसिकली इसका यूज़ करें, बेसिक यूज़ करें, मतलब कि सिर्फ आप टाइम देने के लिए यूज़ करें, तो आपको 22 डेज़ तक ये वॉच चल सकती है। सेकंड, अगर आप इसका नॉर्मल यूज़ करते हैं, मतलब कि आप थोड़ा बहुत चलाते हैं स्मार्ट वॉच को, साथ में टाइम वगैरह भी देखते हैं, नॉर्मल यूज़ करते हैं, जो ये 13 to 14 या 15 डेज़ चल सकती है। एंड एट लास्ट, अगर आप इसका काफ़ी हाई यूज़ करते हैं, तो ये मैक्सिमम 1 वीक चल सकती है। और ये Xiaomi ने आई थिंक सिर्फ एडवर्टाइजिंग के लिए कहा था। आई डोंट नो कि कोई ऐसी वॉच है जो 22 डेज़ तक सर्वाइव कर सकती है, बट फिर भी जब ये स्मार्ट वॉच लॉन्च होगी तो देखेंगे कि क्या वाकई ही इसके अंदर इतना बैटरी बैकअप है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सो गाइस, दिस इज अरहमगुल साइनिंग ऑफ।